नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय माता की। सबसे पहले कान्हा जी कहिन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कान्हा जी कहिन चैनल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। आज मैं आपको दीपावली के कुछ उपाय बताता हूं। आपको ये सब तो पता ही होगा कि दीपावली पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग व्यवसनों से आप दीपावली पे माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा करते हैं। जो भी आप अपने घर में सुख सुविधा से संपूर्णता से ला पाए बहुत अच्छा है, नहीं ला पाए तो फिर भी मैं उसके लिए आपको आज बिना पैसों के इस कान्हा जी परिवार की ओर से आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। तो दीपावली सबसे पहले पूजन का समय शाम 5:37 से 9:38 तक, जो कि इस लगन एक लगन में लग जाएगा जो शुभ मुहूर्त बैठेगा। आपको सिंह लगन जिसमें रात्रि की लोग बाग पूजा करते हैं, सिद्ध करने वाली, तांत्रिक भी करते हैं, पर ऐसा नहीं है, आप सभी सात्विक लोग भी कर सकते हैं। उसमें क्या करें, आप 12:10 के बाद रात के ही 3:05 से पहले यानी कि 2:55 तक सिंह लगन रहेगा, आप उसमें वह पूजा करें। अब देखिए, सबको लक्ष्मी जी की पैसे की तो बहुत जरूरत है। अब आपको किसी भी तरीके की आर्थिक समस्या है, पैसों का नुकसान है या पैसे नहीं कमा पाते, तो आप क्या करें, आप 16 बार श्री सूक्तम का पाठ कर लें। आपको वो पूजन के समय पर ही करना है। आप कितने बजे देर तक भी कर सके, कितने बजे तक भी कर सके, पूरे दिन में आप कर सकते हैं 16 बार श्री सूक्तम का पाठ पढ़कर। और बता देता हूं, हर किसी को राजसी ठाठ तो चाहिए भैया, ये मैं आपको फिर भी एक अपनी ओर से बताता हूं। आपने करना क्या है, कल के दिन से यानी कि दीपावली से, दीपावली के दिन से सुबह के समय नहीं, शाम के समय, संध्या के समय, जब सूरज और चंद्रमा मिलते हैं, शाम मिलती है, आप पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला कर आएंगे। एक थोड़े से पानी में चीनी मिला लीजिए और वो पहले जल चढ़ाएं, चीनी मिला पानी और एक दीपक जलाएं। आपको यह कार्य कल से शुरू करके यानी दीपावली से शुरू कर अगले साल की बड़ी दीपावली तक करना है प्रत्येक शनिवार। आपके जीवन में सभी सुख माँ लक्ष्मी आपके चरणों में देंगी, आप उसे रख पाए या ना रख पाए वह आपकी सुविधा है। और एक बताता हूं, जिस पे कर्जा ज्यादा चढ़ गया है, ऋण बहुत हो गया कि ऋण नहीं उतर रहा, बहुत कोशिश कर ली, दुश्मन भी ज्यादा हैवी हैं, नहीं समझ पा रहे, तो आप क्या करें, कल के दिन किसी भी समय, कोई डरने वाली बात नहीं है, तांत्रिक नहीं, सिंपल उपाय है, आप शमशान घाट से एक लोटे में या किसी डोल में या जैसे भी ला सके आप पानी ले आइए। वो पानी लाकर कल के दिन ही पीपल के पेड़ पर संध्या के समय चढ़ा दे और एक दीपक जला दे और पीछे मुड़के ना देखे। आप वो जो शनि वाला उपाय करेंगे, पीछे मुड़के वहां भी नहीं देखना। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, सब लोगों के मन में मैंने देखा है, कहा भी गया है, रामायण, तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा, आप बाल रोगी वृद्ध लाचार आपत्काल नवरत्ना त्योहार। अगर आप कोई सी भी स्त्री है, मां बहन है, जो पूजन करना चाहती है, किसी भी मासिक धर्म से पीड़ित है, कोई भाई मेरे पूजा नहीं कर पाए, थक गए, दुकान पे भी बैठते हैं, कोई किसी तरीके के कार्य में उलझ गया, नहीं कर पाया कल दीपावली की पूजा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप कल से शुरू ना कर किसी भी दिन, यानी कि जिस दिन इसे एकादशी बोलते हैं, जो अब एकादशी पड़ेगी, देव उठानी एकादशी रहते हैं हमारे यहां, तो इस दिन सबसे बड़ी दीपावली होती है जो देवों के साथ होती है। आप जो माए बहने नहीं कल पूजा कर पाए, आप उस दिन कर लीजिए, आपकी वो पूजा भी देवों के साथ दीपावली होगी, वो सार्थक लगेगी। बस सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजन करिए, घर में अपने साफ सफाई रखिए। हाँ, एक छोटी सी बात और, कोई अपने दुश्मनों से या अपने व्यापार में बरकत नहीं हुई तो कल के दिन एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिएगा और अपनी दुकान के स्थान पर, निवास पर, या जहां से भी आपका व्यापार शुरू है या किसी भी रोग से पीड़ित है, तो उसे लेकर जरूर उसे 7 बार घुमाकर अब चौराहे पर गिराएं, पीछे मुड़के ना देखें। और कल के दिन शंकर भगवान को गन्ने का रस या कच्चा दूध या शहद से अभिषेक जरूर करें। आप पर सारे सुखों की कृपा माँ लक्ष्मी कल ही कर देंगी, आप ध्यान रखेगा। बस हमारे परिवार की ओर से शुभ दीपावली आप सभी को। आप सभी खुश रहिए, पूरा परिवार खुश रहिए। जय सियाराम, राम राम भैया, जय माता की।